हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू चैनल। क्या आपका बजट सिर्फ 30,000 रुपीज है और आप सर्च कर रहे हो बेस्ट लैपटॉप को, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे 5 बेस्ट लैपटॉप बताऊंगा अंडर 30,000 रुपीज में। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस वर्क के लिए लैपटॉप सर्च करना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा नाम शेख अफराज, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो भी लैपटॉप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ऑब्वियसली वो गेमिंग सेंट्रिक लैपटॉप तो नहीं होगा। गेमिंग वगैरह तो आप इसमें आराम से कर भी नहीं पाओगे, आराम से क्या, बड़ी मुश्किल से भी गेमिंग वगैरह आप इस लैपटॉप में नहीं कर पाओगे, क्योंकि 30,000 रुपये में हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बात करते हैं नंबर 5th लैपटॉप की, तो वो है Asus EBook 12। ऑब्वियसली अगर इसके लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करो तो काफी प्रीमियम सा डिजाइन आपको इसमें मिलेगा, काफी प्रीमियम सा लुक आपको ये लैपटॉप देने की कोशिश करेगा। अगर आप टॉप की लीड पे अगर आप देखोगे तो कुछ इंटरेस्टिंग डिजाइन आपको इसमें, कुछ यूनिक डिजाइन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड कलर ऑप्शन की बात करें तो काफी सारे कलर ऑप्शन आपको ये लैपटॉप में देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली ये प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है, अगर आपको कलर एक स्पेसिफिक कलर का लैपटॉप चाहिए तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करो तो 15.6 इंचेस का HD LED बैकलाइट डिस्प्ले आपको ये लैपटॉप में मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो आपको Pentium Quad Core N5000 प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड GPU की बात करें तो GPU जो है वही ऑब्वियसली Intel SGX GPU मिलेगा, काफ़ी डिसेंट स्पेसिफिकेशन के साथ आता है ये लैपटॉप, ऑब्वियसली इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी ठीक है। रैम एंड स्टोरेज की बात करो तो 4GB रैम DDR4 की जो है आपको इसमें मिल जाएंगी, एंड 1TB का हार्ड ड्राइव आपको इसमें मिल जाएगा। एंड प्राइस की बात करें तो आपको ये 20,000 रुपीज़ में भी मिल जाएंगे लैपटॉप। अगर आप ऑफर में लेते हो तो 20,000 रुपीज़ में भी आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा, अगर आप नॉर्मल डेज में लेते हो तो 27,000-29,000 तक आपको ये लैपटॉप चल जाएगा, कभी कभी तो 17,000 रुपीज़ तक भी चले जाता है। तो काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, ऑफिस एंड स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको ये लैपटॉप कैसा लगा। चलिए गाइस, अब बात करते हैं नंबर 4th लैपटॉप की, तो वो है Lenovo IdeaPad Slim 3। ऑब्वियसली जो IdeaPad सीरीज है काफ़ी पुरानी सीरीज है Lenovo की, और ये Slim 3 सीरीज है ये एक अपग्रेडेबल सीरीज है। अगर आप इन फ्यूचर अगर लैपटॉप में आप रैम एंड स्टोरेज अपग्रेड करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप इसमें 12GB रैम तक अपग्रेड कर सकते हो और आपको एक SSD का भी स्लॉट आपको ये लैपटॉप में देखने को मिलता है, तो ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो। स्पेसिफिकेशन की बात करो तो 15.6 इंचेस का ब्राइट व्यू पैनल डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करो तो AMD का एथलॉन सिल्वर 3050U प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली GPU की बात करो तो AMD का GPU आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ऑब्वियसली काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस आपको ये लैपटॉप दे देगा। एंड रैम एंड स्टोरेज की बात करो तो 4GB रैम DDR4 की आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, एंड 1TB का हार्ड ड्राइव आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा हाई एंड काम आप आराम से इजीली इस लैपटॉप पे कर सकते हो, अगर आप जैसे कि थोड़ा सा हाई एंड जो भी हल्का सा ग्राफिक वाला जो काम होता है वो आप इजीली इस पे कर पाओगे, तो ये काफ़ी अच्छी प्लस पॉइंट है। आपको ये लैपटॉप कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताओ। अब बात करते हैं नंबर 3rd लैपटॉप की, तो वो है HP 15 AMD Athlon। ऑब्वियसली AMD Athlon नेम से आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो AMD का प्रोसेसर होगा। ऑब्वियसली HP के लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा जो है सेल होते हैं, अगर आप थोड़े पुराने टाइम के पास जिसके पास लैपटॉप है अगर आप उनके पास सर्च करोगे तो आपको जो है उनके पास HP के लैपटॉप्स ही आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली इनकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है काफ़ी तगड़ी होती है, ऑब्वियसली फाइबर प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी होती है, बट जो कंस्ट्रक्शन होता है काफ़ी तगड़ा होता है, और जो उनके हिंस जो होते हैं लैपटॉप के अगर आप जो लीड ओपन बंद चालू भी ज़्यादा करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगा। तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगी, छोटी माइनर सी, बट ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो ऑब्वियसली नो डाउट इनकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है HP की काफ़ी तगड़ी होती है। और एक खास बात हमने इसको जो 3rd नंबर पे इसलिए रखा है, इसके अंदर आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री मिलता है, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप लॉन्ग टर्म तक फ्री यूज़ कर सकते हो। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 15.6 इंचेस का ब्राइट व्यू पैनल डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो ऑब्वियसली AMD का एथलॉन 3050U प्रोसेसर आपको इसमें मिलेगा। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो वो सिर्फ नाम को दिया गया AMD का APU ग्राफिक कार्ड आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि AMD का ही आता है। एंड स्टोरेज एंड रैम की बात करो तो 4GB रैम मिलेंगी जो कि DDR4 की आती है, एंड 1TB का हार्ड ड्राइव आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली काफ़ी ये भी थोड़ा हाई एंड आप कर सकते, ज़्यादा हाई एंड नहीं, थोड़ा सा हाई एंड काम आप आराम से इस लैपटॉप में आप आराम से कर सकते हो, तो ये भी मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको ये लैपटॉप कैसा लगा। अब बात करते हैं 2nd लैपटॉप की, तो वो है Lenovo IdeaPad S145। इसके प्राइस की बात करो तो 30,000 रुपीज़ में आपको ये मार्केट में देखने को मिल जाएगा, बट ऑफर्स में जो है इसके जो प्राइस है फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी 27,000 में भी आपको मिल जाएंगे, कभी 25 या फिर 23,000 तक भी इसका प्राइस चले जाता है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली जितने भी प्रीवियस लैपटॉप्स मैंने आपको बताया उसमें फुल HD डिस्प्ले आपको नहीं मिल रहा था, बट इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले आपको मिल रहा है। प्रोसेसर की बात करो
i3 8th जनरेशन प्रोसेसर आपको मिल जाएगा एंड रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो 4GB रैम आपको मिलेंगी एंड 1TB का हार्ड ड्राइव आपको मिलेगा। ऑब्वियसली नो डाउट लेनोवो के जो है लैपटॉप काफी अच्छे होते हैं तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो कमेंट में जरूर बताना कि ये लैपटॉप आपको कैसा लगा। चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर फर्स्ट लैपटॉप की बात करते हैं तो वो है Acer Aspire 3। बेसिकली क्या होता है, एसर के जो लैपटॉप्स होते हैं काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों पसंद नहीं आते हैं, बट अगर आप एसर के लैपटॉप्स को सही से यूज़ करोगे, एकदम लैपटॉप को लैपटॉप की तरह ही यूज़ करोगे, आराम से यूज़ करोगे, तो ये लॉन्ग टर्म तक टिक जाते हैं, काफ़ी अच्छे लैपटॉप होते हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर फर्स्ट पे इसलिए रखा है एसर Aspire 3। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको इसमें 15.6 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो कोर i3 8th जनरेशन प्रोसेसर आपको मिल जाएगा एंड रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो 4GB रैम आपको मिल जाएंगी एंड 1TB का हार्ड ड्राइव आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली नो डाउट स्टार्टिंग के जो हमने जो लास्ट के जो सेकंड नंबर एंड फर्स्ट नंबर के जो लैपटॉप्स आपको बताए इसमें इंटेल कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है और काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता है प्रीवियस 3 लैपटॉप से अगर आप कंपेयर करें तो। नो डाउट अगर आपका बजट 30,000 तक के अगर आप लेनोवो और एसर के लैपटॉप्स लेना चाहते हो और आपको दोनों की कंपेयरेंस जो पसंद है तो आपके लिए दोनों लैपटॉप बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैंने आपको टोटल 5 लैपटॉप्स आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको इसमें से कोई एक लैपटॉप आपने लिस्ट आउट कर रखा होगा और आपने कौन सा लैपटॉप लिस्ट आउट कर रखा है कमेंट में जरूर बताना। और मेन बात दोस्तों, इन सब की जो बाय लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप आराम से चेक इट आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, लाइक जरूर करना दोस्तों, मैं टारगेट देता नहीं हूं लाइक का, बस आप लाइक जरूर कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हो, मेरा जो फेस है फर्स्ट टाइम देख रहे हो या फिर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फ्री है, सब्सक्राइब कर लो यार, तोड़ दो मोड़ दो उसको कुछ भी करो सब्सक्राइब कर दो। और मुझे अभी तक मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो लाइक नहीं किया तो फॉलो लाइक कर देना, वहाँ पे भी कर दो, आपको वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेगी तो फॉलो कर देना। मिलते हैं कमाल की वीडियो के साथ, तो चलिए गाइस बाय बाय।